धनबाद से बिहार जा रही शराब को रामगढ़ पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसके साथ चालक को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 लाख से अधिक की शराब के साथ बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। शराब सिंडिकेट के माफिया की गिरफ्तारी के अब प्रयास किए जा रहे हैं। रामगढ़ पुलिस ने बिहार जा रही शराब की एक बड़ी खेप को पकड़कर करीब 5 लाख रुपए की शराब जब्त की है। जब शराब विभिन्न ब्रांडेड कंपनी की है, ये शराब धनबाद से बिहार की ओर जा रही थी। इसके साथ ही चालक की भी गिरफ्तारी हुई है। धनबाद का एक शराब माफिया विजय मंडल भारी मात्रा में एक पिकअप वैन में जो बाहर से पाइप से लगी हुई थी और उसमें भारी मात्रा में शराब धनबाद से रामगढ़ होते हुए बिहार की ओर जा रही थी। तो तत्काल हमने सूचना को वेरीफाई कराते हुए थाना प्रभारी कुजू अवधेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम ने बेहद शानदार तरीके से बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम किया और उस गाड़ी को चेकिंग के दरमियान पकड़ा है। इसमें पिकअप वैन में लगभग 66 पेटी शराब की बोतलें जब्त की गई है और उसमें लगभग 1560 बोतल है और उसके साथ ही गाड़ी को जब्त कर लिया गया और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे हम लोग अनुसंधान के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।